राजनीति में कहाँ तक जाना चाहती हैं? मैंने ऐसा कुछ शिखर नहीं सोच रखा उसका, पर मेरा ये है कि मैंने यदि मेरे इन लोगों का हाथ थामा है तो मुझे कच्चा काम नहीं करना है, पक्का काम करना है। कच्चा लोगों को आगे लेकर जाना है, लोगों को आगे लेके जाना है। बहुत सारे सपने हैं। बिल्कुल, जब यहाँ देखते हैं तो घुटन होती है, जब आप देखते हो ना चीज़ों को कि सब पेपरों पे हैं, तालाब तक पेपरों पे खुद जाते हैं, असलियत में कुछ नहीं होता। किसान को सिर्फ उसकी फसल का भाव चाहिए, उसके अलावा पानी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं मांगता, वो फ्री का तो कुछ नहीं मांगता, उसको वही नहीं मिलता है। उन चीज़ों पे है, गांव के बच्चों की एजुकेशन है, सर्वधर्म प्रार्थना स्थल है कि सबका एक जगह स्थाई हो, हम लोग कैसे बटे हुए, किसी सोच में बटे हुए हैं। ट्रांसजेंडर्स का वॉशरूम है कि बच्ची महिला जो ट्रांसजेंडर, भले भगवान ने हमें सिर्फ तीन भाग में बांटा, जातियों में नहीं बांटा था, सिर्फ स्त्री पुरुष और ट्रांसजेंडर, हम कहते हैं ना बांटा, सिर्फ उन्होंने तीन चीज़ में बांटा था ईश्वर ने हमें भेजने से पहले, पर हम लोग उनको कुछ समझते नहीं है। और मेरे पास जब मेरी बच्ची रही थी तो मुझे समझ में आया कि उस जब वो गर्ल्स वॉशरूम के सामने जाती है तो वहाँ की महिलाएं उसको देख के डर जाती, उसको आने नहीं देती। पुरुष वॉशरूम में वो जाते तो हरासमेंट होता है, तो ट्रांसजेंडर कहाँ जाएगा? सो उनके लिए ये सब सुविधाएं हो। शेल्टर होम नहीं है हमारे यहाँ, मतलब आपको आज ही घर से किसी ने निकाल दिया तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और वो किसी के साथ हो सकता है, वृद्ध के साथ हो सकता है, पुरुष के साथ हो सकता है, महिला के साथ होता है, बच्चे के साथ हो सकता है, पर हमारे यहाँ ऐसा ठिया नहीं है जो शेल्टर होम हो। जैसे मैदान में जब बच्चे झूला झूलते हैं तो सैंड बॉक्स बनाया जाता है, कभी भी देखना वो पक्की वो चीज़ नहीं होती कि बच्चे झूला झूले पर उस रेतीली जगह पे गिरे तो उन्हें सैंड बॉक्स मिले। हम सब गलतियां करें, सब कुछ करें, पर जीवन में हमें एक सैंड बॉक्स मिले, तो मैं ठिया बोलते हैं, शेल्टर होम बोल सकते हैं, सैंड बॉक्स बोल सकते हैं, वो करना चाहूँगी। बच्चियों के लिए करना चाहूँगी कि बच्चियों के जन्म के उत्सव एक जैसे मने। हमारे यहाँ अभी भी फटाका फूटता है तो छोरा हुआ, तो ये जेंडर का जन्म लेते से चेंज हो सोच। बच्चियाँ अपने पैरों पर खड़ी हों, आत्मनिर्भर हो, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करूँ, पहला कदम ही सुरक्षा। महिलाओं के पास उनका पैसा फ्री का नहीं, उनके खुद के कमाया हुआ आए ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे जीवन भर के लिए। इन सब चीज़ों पे काम करने सारे सपने हैं मेघा जी, और हम भी चाहते हैं कि आपके सभी सपने पूरे हों।